बंगाल सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां इन दिनों अपनी शादी को लेकर किए गए दावों को लेकर खबरों में है। दरअसल एक्ट्रेस ने दावा किया है कि व्यवसायी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं थी। उनके इस दावे के बाद एक्ट्रेस को लेकर काफी चर्चा हो रही है और उन पर कई आरोप भी लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी नुसरत जहां को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल एक्ट्रेस अपनी शादी के बाद भी धार्मिक कारणों को लेकर चर्चा में रही थी और अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी वो खबरों में रहती हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी एक्ट्रेस की अब देश भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में अगर आप भी नुसरत के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आइए आपको हम बताते हैं कि सांसद अक्सर क्यों सुर्खियों में रहती हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी क्या क्या खास बातें हैं। बंगाली मुस्लिम फैमिली में जन्मी नुसरत जहां ने साल 2011 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और टॉलीवुड फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन गए। इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2019 में TMC के चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा और बंगाल की बसीरहाट सीट से चुनाव लड़कर जीत गई। एक्ट्रेस चुनाव के वक्त खबरों में रही और संसद में दिए गए उनके भाषण की वजह से उन्हें मीडिया में हेडलाइंस में जगह मिली थी। साथ ही कई बार धार्मिक कारणों की वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी रही और समाज के एक वर्ग ने उनकी लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी आरोप लगाए। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी तस्वीरें भी कई बार वायरल होती रहती हैं। इन दिनों अपनी शादी की वजह से नुसरत खबरों में है। लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो नुसरत ने 19 जून 2019 को निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने 2019 में ही चुनाव जीता था और 23 मई 2019 को चुनाव जीतने के करीब 25 दिन बाद उन्होंने 19 जून को शादी की थी। एक्ट्रेस के पास 12 लाख की तकरीबन फिलहाल ज्वेलरी है। इसके अलावा कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति है और वहीं उनके पास 2 करोड़ की कीमत वाली एक फ्लैट है और उन्हें 1 करोड़ 68 लाख रुपए का लोन भी देना है। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी गाड़ी के साथ साथ LIC भी है। वहीं उनके पास कोई कृषि जमीन नहीं है।